हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमन एक्सपीरियंस 2020 में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आए हुए हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय, संस्कृत का विश्वविद्यालय है जयपुर के अंदर, उसके उसमें घूम रहे हैं हम कैंपस में। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट काफ़ी दूर दूर है। यहाँ पे आयुर्वेदिक का, वो सामने आयुर्वेदिक का डिपार्टमेंट है जो आप देख पा रहे होंगे, ये आयुर्वेदिक का डिपार्टमेंट है। इधर छात्रावास है, जो हॉस्टल वगैरह हैं लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, जो यहाँ पे एजुकेशन करते हैं उनका डिपार्टमेंट है। इस साइड में आप देखेंगे तो इस साइड में अलग एक आयुर्वेद का डिपार्टमेंट है जिसमें एजुकेशन होती है। और इस साइड में इनके हॉस्टल वगैरह बने हुए हैं, ये देख रहे होंगे आप, ये हॉस्टल है इनका रहने का। ये देख रहे हैं प्रथम छात्रावास का, ये दिखाई दे रहा है आप। और ये सामने छात्रावास का ही मतलब जो आपका हॉस्टल है ये है, और इधर की साइड में पूरे डिपार्टमेंट अलग अलग बने हुए हैं। और ये देख रहे हैं आप, हम आपको दिखा रहे हैं, ये जयपुर राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय है जिसमें संस्कृत पढ़ने के लिए दूर दूर से छात्र आते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये नील गायें वगैरह भी हैं। नील गायें आपको दिखाई दे रही होगी जो अंदर ही, इसका कैंपस बहुत बड़ा है जिसमें अंदर ही घूम रहे हैं। ये देखिए नील गायें हैं, ये नील गायें, ये देखिए नील गायें भी घूम रही हैं यहाँ पर। और नील गायें हिरण की प्रजाति की होती है। इधर इसका पार्क है, ये पार्क दिया गया है, ये देख रहे होंगे आप, ये इसका पार्क है। और इस साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो लोग इधर भी लगे हुए हैं। इधर के डिपार्टमेंट आप देखोगे तो कैंपस काफ़ी बड़ा है इसका, आपको बता दूं कि कैंपस काफ़ी बड़ा है। काफ़ी इधर उधर जाने के बाद में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, दूर दूर ही डिपार्टमेंट है। इस साइड में, दोनों साइड में आपको दिखाई देगा, दोनों साइड में इसके डिपार्टमेंट हैं। और जैसे कि आप आगे देख रहे हैं, आगे भी ये जो आ रहा है इसमें आपको दिखाई देगा कि आपका ये सामने दिखाई दे रहा है हनुमान दाय, वो करके दिखाई दे रहा है आपको डिपार्टमेंट। और ये भी डिपार्टमेंट है, ये देखिए हनुमान दाय डिपार्टमेंट। उसके बाद ये इधर इसमें मंदिर है, मंदिर पूजा करने के लिए मंदिर बनाया हुआ है संस्कृत विश्वविद्यालय में, ये देख रहे होंगे आप। और जैसा कि देख रहे हैं आप, ये भी इधर डिपार्टमेंट है। काफ़ी सारी हरियाली है, काफ़ी सारे पेड़ हैं यहाँ पे। आप लोगों को बता दूं कि ये संस्कृत विश्वविद्यालय है अपना जयपुर का, और राजस्थान के अंदर है। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। आप देख रहे होंगे इधर इस साइड में डिपार्टमेंट है, और इस साइड में आपका ये संस्कृत भवन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये संस्कृत भवन है। इस साइड में भी संस्कृत भवन है, काफ़ी दूर दूर ये जैसे कि देख रहे हो आप, ये भवन है, ये विशिष्ट भवन ही वो आपका ये है। काफ़ी आ भी रहे हैं यहाँ पे, देख रहे होंगे आप, काफ़ी लड़कियाँ आ रही हैं दूर दूर से पढ़ने के लिए यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा यहाँ का वातावरण है, काफ़ी ज्योग्राफिकली मतलब काफ़ी दिया गया है इसमें। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये कुल सचिव आवास है, ये देखेंगे आप, कुल सचिव का आवास है इस साइड में, ये साइड में कुल सचिव का आवास है। और इधर आप देखेंगे तो इधर आगे भी आपका छात्रावास वगैरह भी है, और मतलब जो पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए काफ़ी सारी फैसिलिटी भी यहाँ पे है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का जो काफ़ी अच्छा मतलब ये है आपका, देखेंगे यहाँ का जो वातावरण है ये काफ़ी अनुकूल है पढ़ाई के, इस टाइप से शांति प्रिय है और काफ़ी अच्छा। इस साइड में आपको डिपार्टमेंट दिखाई देगा, इस साइड में जो डिपार्टमेंट है ये योगा भवन है, जो जहाँ पे आई थिंक योगा की क्लास होती होगी। और यहाँ पे ये आपका योग का है ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे इसका ये है। आप देखेंगे तो इधर भी काफ़ी सारे वो है, और ये देख रहे होंगे आप, काफ़ी सारी नील गायें यहाँ पे भागी जा रही हैं। इसी अंदर में कैंपस में ही नील गायें घूम रही हैं, ये देखो नील गायें कैसे जा रही हैं। और आगे भी काफ़ी सारी नील गायें खड़ी हुई हैं, ये देख रहे होंगे आप, नील गायें काफ़ी, ये देखो आगे नील गायें खड़ी हुई हैं, नील गायें जा रही हैं। ये इसी के कॉलेज के ही कैंपस में हैं ये सारी, ये देख रहे होंगे आप। इधर भी ये भवन है, उधर सामने जो है ये भी बिल्डिंग इसी की है, कॉलेज की ही बिल्डिंग है, विश्वविद्यालय की बिल्डिंग है, ये भी विश्वविद्यालय की ही बिल्डिंग है। डिपार्टमेंट काफ़ी दूर दूर हैं इसके, और ये देख रहे होंगे आप, ये भी इसी का डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, काफ़ी दूर दूर तक है इसके डिपार्टमेंट। ऐसे देखेंगे तो आप, ये देखो कितनी दूर दूर उसके डिपार्टमेंट है, ये देखो वो सामने आपको दिखाई दे रहा है।
अलग अलग भवन है इसके, अलग अलग है सारे जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सुखान चंदाचार्य भवन है ये, और ये आपका सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक भवन है, और ये सारे स्कूल के ही डिपार्टमेंट है। ये करसन दास प्योहोई भवन है, इसमें भी क्लासेस होती हैं। तो काफ़ी ओवरऑल काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है, काफ़ी दूर दूर डिपार्टमेंट है, काफ़ी बड़ा विश्वविद्यालय है। नेचुरल जो बोला जाता है कि नेचुरल का यहाँ का वातावरण है, जिससे सभी लोग आसानी से यहाँ पे अच्छी संस्कृत की एजुकेशन लेते हैं। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, काफ़ी सारी चीज़ें चल भी रही हैं, कुछ नई नई क्लास के लिए कुछ यहाँ पे चल भी रहा है, जिससे आने वाले टाइम में यहाँ पे काफ़ी अच्छा और भी ज़्यादा डिपार्टमेंट मुझे लग रहा है कि बनने वाले हैं। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी